Hey guys, welcome back to our channel Delhi Into Insta. We hope कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो गाइस हम सुनो चंदा ड्रामे के सीजन 2 के एपिसोड 13 पर रिएक्शन दे रहे थे, तो जो हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था, इस वीडियो में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं गाइस, साथ में देखते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। इसलिए और अभी मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, पार्सल का वीजा कैंसिल हो गया। मैंने पूरे 100 नफल माने थे, अब मेरी तबीयत तो सही नहीं है, तुम्हें पढ़ लेना। जिया के सामने मत बोल देना, अभी तो आसमान सर पे उठाया होगा उसने। अरे दो चार दिन की बात है, खुद ही भूल जाएगी। नहीं भूलती, आखिरी वक्त तक हाथ पैर जरूर मारेगी वो। पर क्यों नहीं गई? अच्छा बात सुनो, तुम भी लगा लो, मौसम बदल रहा है, नजला हो रहा है। ये कहाँ पे रखूँगा? नाक पे और खा पे। मेरी तबीयत से नहीं, मुझे पानी दे दो, मैं कोई टैबलेट्स खा लूँ। ये तो दवाइयों पे जिंदा है, दवाइयों पे जी रहा भाई। इसमें क्या हर्ज है? हर्ज है जिया, बस तुम अपना फैसला बदल दो। और सर, मैं अपना डिसीजन ले चुकी हूँ और एक इंच भी नहीं हिलूंगी मैं इससे। क्यों हिलेगी यार? इंच है ना, ये हमारे बीच में सदियों का फासला पैदा कर देगा। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी अरसल, क्योंकि ये मेरे करियर का सवाल है। मेरे भतीजे का वीजा रिजेक्ट हुआ और आप ऐसे हंस रहे? वो भी तो बड़ी शोखी से गुनगुना रहा था, मोहब्बत का किस्सा सभी का आता हिस्सा, और यूके वालों ने भी डाल दिया अपना हिस्सा। उसके सामने तो ना हंसेगा ना? चलो सामने नहीं, दिल में तो हंसने का इजाजत है ना। अरे कमाल मुसकी, कार्टून है यार ये बंदा। तैयो लिबानी खुना दकना, कर क्या रहे हो आप? उस बिचारी असल के दिल पे तो कयामत गुजर रही होगी। असल कयामत पे कयामत उस वक्त हुई जब जिया का लग गया वीजा और असल का वीजा रिजेक्ट हो गया। अब ये धक्का लगा उसको बहुत गुंडा, और गुड्डा रहेगा पाकिस्तान। चलो मैना, मोहब्बत का किस्सा सभी का आता हिस्सा, थी गुड़िया दीवानी था गुड्डा दीवाना, वो जाएगा यूके तुम इधर रहेगा पाकिस्तान, तुम्हारा पूरा कार्टून है भाई। बनेगा वो अरसल भाईजान, सुनो चंदा। वो मुश्किल है एक्टिंग करनी, जिस हिसाब से कर रहा है बंदा। सर मैं तुम्हें किसी से कोई बात नहीं करने वाली। तो कौन रोकता मुझे? ठीक है, फिर अगर तुम इतनी ढिठाई दिखाओगे तो फिर मैं भी तुम्हें जाकर दिखाऊंगी। ठीक है, तुम तीर आजमा लो, मैं चक्कर आजमा लूंगा। आ गया तुझे सुकून? कैसे रहूंगा अकेला आपके बगैर? मैंने नहीं वीजा कैंसिल करवाया आपका, मतलब मुंह। आपका बेटा, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरा साथ दें इस बार। ताई जी अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप मेरी माँ नहीं है, सास है। ताई जी अंदर ये सोनी बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है, मैं बिल्कुल सही है, पूरी दुनिया को दिखा देगी, शाला तो कर देगी काम। आ जा तू मेरे पीछे पीछे आ, और खाए मेरे पैसे। रिश्क की एक चमाट लगाने बहुत जबान चल रही है तुम्हारी, जुबान तो ना सल्लू भैया की चल रही है कैंची की तरह, तत्तर करके ना सारे आपके जो ख्वाब है ना बाहर जाने की काट वाट देंगे। वीजा लगाए खुशी होनी चाहिए, सब मेरे पीछे पड़ गए हैं जॉन की। पूछे से पूछे क्यों शादी की है मुझसे, सिर्फ और सिर्फ अब्रॉड जाने के लिए की है ना। हां बड़ी यूके दी नेशनलिटी सी ना तेरे कोल,
अम्मा तू चुप कर जा, मैं बॉन कर रहा, मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा। पुत्र आपसे बुरा अभी भी कोई नहीं है पूरे खानदान में। भाई भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं, उसे बात तो करने दे बेचारे को, बोलो बेटा। चाची कोने तक तो जा नहीं सकती अकेली, बातें करती लंदन जाने की अकेले। सर बिल्कुल ठीक कह रहा है, कोई जरूरत नहीं बेटा बाहर जाने शादी की। ताई जी, अरे ताई जी की सखी होगी ताई जी, ताई जी, ताई जी। अच्छा बात सर, अभी आप लोगों की बेटी नहीं है, मेरी नूह है, जिसने भी गाल करनी ना मेरे नाल करो तुसी। मेरी बीवी है, मुझसे बात करे फिर। अरे तुझे जिस चीज का साड़ा है ना वो मुझे चंगी तरह पता है, सारी दुनिया जान का निकम्मा सपलियां ले लेके पास होने वाला, तू काबिल था कि तेरा इससे ब्याह होता? अम्बेसी वालों को पता चल गया होगा ना लफंड्रिया करने के लिए जा रहा है वहाँ पे, तभी तेरा वीजा रिजेक्ट किया उन्होंने। मज़्ज़ाती कर रही है तू। हाय, और तू जो मेरी नूह के सामने विलन बन के खड़ा हो गया वो? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं मेरी बात सुने, इसका क्या काम है अकेले वहाँ जाने का? मुझे क्या करना है उसे वहाँ पे? निम्मा पढ़ने के लिए जा रही है, और पढ़ने के लिए ना बंदे को चीन भी जाना चाहिए। चीन चली जाए, लंदन नहीं जाने दूंगा। तू रोक के देख, मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। नहीं जाने दूंगा। भाभी ना करे, मेरी ना तबीयत खराब हो रही है। आप एक काम करें, नजाकत भाई एक ही बारी ना सारी डब्बे जो है ना ये खा ले गोलियां हैं, और जिसने अब इसको रोकने की कोशिश की ना मुझसे भी बुरा कोई नहीं होगा। तू मेरी बात कान खोल के सुन ले, तू नाक से लकीरें निकाल, एड़ियां रगड़ जमीन के ऊपर, लेकिन ये जाएगी। और मैंने कह दिया और तूने बक बक करने की कोशिश की ना, तो फिर मुझसे भी बुरा नहीं है पूरी दुनिया में कोई। चला दिया भाभी, बात सुने। मैं मेडिसिन खा लूं फिर सुन जाता हूं। क्या हो गया किंसर? अरे क्या मुसीबत है, इंटरनेट ही काम नहीं कर रहा, मुझे पिक्चर्स भेजनी थी। इंटरनेट का मसला था? मासूम आंटी को भेजियो? हाँ ना, उन्होंने बोला था कि एक दफा सिलेक्ट करने से पहले ज्वेलरी की पिक्चर्स भेज दूँ मैं। मुझे पहले बताती यार, ये लो यार जैज सुपर 4G, इसका डेटा बहुत अच्छा चल रहा है। बल्कि एक काम करते हैं, उनको वीडियो कॉल पे लेता। यार शरी, आपके पास इस पूरा वक्त जैज सुपर 4G था, और आप मुझे अब बता रहे हैं? मैं फालतू में अपसेट हो रही थी। तो ठीक हो ना? ये लो, यूज कर। थैंक यू। अंदर चल के कॉल कर। ये प्रमोशन ही प्रमोशन कर यार, यार इन दोनों को सही पकड़ लिया। माचिस। लकचर दे दिए माचिस। कितने चौड़ा में आए। मैना जी, ऐसे क्यों हो रहा है? ओ, माचिस नहीं मिल रहा, अंडे बॉईल करना था ना। ओहो, मैं बताता हूँ आपको ना, माचिस होती है और अंडे बॉईल किए जाते हैं। आज तक ना आपकी बात जमा, मैं ठीक करा के रहूंगा। है खा ठीक है, लेकिन अभी माचिस तो दो। अगर आपको मिट्टू 3 मिनट में अंडे बॉईल करके दिखा दे, वो भी चूल्हे के बगैर। है 3 मिनट में अंडा बॉईल करेगा, वो भी चूल्हे के बगैर? और की चले जी, मैना जी चले, 3 मिनट में मट्ठू इंजीनियर की फुर्तियां देखे आप। चलो जी चलो। मैना जी नो चीटिंग। सामड़ा सामड़ा। इसी को रख देगा ये? इसमें क्यों रख रहा है? भाई ये तो ब्लास्ट हो जाएगा। क्या बड़ी मंताज का मूड क्यों ऑफ है? सभी जगह बैठती है, यही गाड़ी आती है इनके कमरे में। मैं क्या मंताज, वेरी सैड, आपके ग्रैंडसन को इंग्लैंड वालों ने वीजा ही नहीं देता। हाँ खुशी की बात है, हमारी औलाद हमारी आंखों के सामने रहेगी। हाँ वो तो राइट है, वो तो ठीक, यू आर राइट, ठीक कह रहे हैं। बट एक गल है कि चिल्ड्रन जो होते हैं ना, उनको ज्यादा पढ़ा पढ़ा के पढ़ाकू कर करके ना, बहुत ही जब स्टडियां करते हैं ना वो, तो वैसे भी उनके ब्रेन जो है वो ड्राई हो जाते हैं। अभी वो आप ही बताइए कि आपका वेलिमी के बाद क्या प्लान है? जैसे आप कहे। मैंने अपना कोई टिकट वगैरह ले लिया है,
या फिर यही डेरे डालने का इरादा है? ओह नो नो नो, नथिंग नथिंग, आई गो चीचा वतनी, मत बल्कि अल्लाह खैर करे सुख चैन से, कल नहीं तो परसों दोपहर ट्रेन पे बैठ के डको डक के अपने घर पहुंचेंगे। उसकी तकरीब का औजाद हमारी जड़ों में बैठ गई। चले 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 अंडे उबाल रहा है वो। आइए, तुझे जिस चीज का सड़ा है ना वो मुझे चंगी तरह पता है। सारी दुनिया जहां कनकम्मा सपलियां ले ले के पास होने वाला, तू काबिल था कि तेरा इससे ब्याह होता? अंबेसी वालों को पता चल गया होगा ना नफंड्रिया करने के लिए जा रहा है वहां पे, तभी तेरा वीजा रिजेक्ट किया उन्होंने। ये बातें छुप रही होंगी, किसी की मां बोल रही है ये बातें। कुछ नहीं देखती वो, बीजान को नहीं देखती वो, किसी को नहीं देखती यार वो, उसको तो बोलने से मतलब है। और तो ऐसी वो है चीचा वतनी, चीचा वतनी तो यार वो यार चाची नगीना भाई, वो भी जो रैट वो रैट करके ले जाती वो भी बड़ी बड़ी करके ना वो सीन ले जाती है यार, पूरा खा जाती है यार वो। और उसने गाइस ब्लास्ट कर दिया उसमें, वो तीन मिनट में अंडे बॉईल कर रहा था। अब देखते हैं तो, उसका क्या होता है। हाँ, गए तो देखने, देखने वाली चीज है गाइस आगे। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन को दबाना मत भूलना गाइस, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन।